भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी बनाई गई सुधा भारद्वाज को आखिरकार 3 सालों के बाद जमानत मिल गई है। जांच एजेंसी NIA ने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचकर जमानत पर रोक लगाने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम रही और आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक NIA की विशेष अदालत ने 50,000 के कैश पर जमानत का जो आदेश है उसको पारित कर दिया। हालांकि कई शर्तें भी लगाई गई हैं। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। 2018 से जेल में बंद सुधा भारद्वाज की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है लेकिन कई शर्तों के साथ। जेल से छूटने के बाद मुंबई में ही रहना होगा। मुंबई में जहां रहेंगी उसकी पूरी जानकारी देनी होगी। मुकदमे की तारीख पर हाजिर रहना होगा। अगर पासपोर्ट है तो उसे सरेंडर करना होगा। सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती हैं, जनसभाओं में शामिल नहीं हो सकती हैं और मीडिया में केस से जुड़ी कोई बात नहीं कर सकती। अदालत में सुधा भारद्वाज के वकील युग चौधरी ने सुधा भारद्वाज को दिल्ली और छत्तीसगढ़ में अदालतों में प्रैक्टिस के लिए जाने की अनुमति देने की मांग की थी और अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला देते हुए गैग ऑर्डर का विरोध किया था लेकिन अदालत ने दोनों मांगे ठुकरा दी। बहरहाल सुधा भारद्वाज के करीबी और दोस्त खुश हैं कि 3 साल बाद ही सही उन्हें जमानत तो मिली। 3 साल एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि आदिवासी मजदूरों के बीच में रहकर और उनके कानूनी लड़ाइयाँ, हक की लड़ाइयाँ और जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसका हिस्सा रही, उनके 3 साल आपने जेल में बंद करे गलत कारण के लिए, गलत केस को लेकर, झूठे आरोपों के साथ, तो ये तो बहुत ही अन्याय है और ये अन्याय तो कभी खत्म नहीं होगा। इस अन्याय को आप मिटा नहीं सकते। तो देर बहुत हुई लेकिन फिर भी हम खुश हैं कि वो निकल गए हैं। भीमा कोरेगांव हिंसा के लिए पुणे पुलिस ने यलगार परिषद को जिम्मेदार बताते हुए कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है जिनमें लेखक, वकील और कई मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। इनमें से कई अभी जेल में हैं। हालांकि इस दौरान एल्गार परिषद केस में गिरफ्तार एक और आरोपी स्टैन स्वामी की मौत हो चुकी है और सुधा भारद्वाज की तरह 8 और आरोपियों ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट में डिफॉल्ट जमानत की अर्जी दी थी लेकिन अदालत ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। सिर्फ सुधा भारद्वाज की अर्जी मंजूर की। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, NTV इंडिया के लिए।